हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं परक्यूसाइट्स की। परक्यूसाइट्स का सिंपल सा मतलब होता है एक एम्प्लॉय के द्वारा एक एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिससे उसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, या चार्ज लिया भी जाता है तो कोई मिनिमम फीस के रूप में लिया जाता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रीट इक्विटी शेयर के बारे में समझा था, मोटर कार वैल्यूएशन के बारे में समझा था। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को फ्री एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है। दैट मींस कि एम्प्लॉयर के बच्चे यानी एम्प्लॉय के बच्चे किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाएगा। तो उसका वैल्यूएशन हम सैलरी हेड के अंदर किस तरह से करते हैं ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के ऊपर एडवांस लेवल के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाले। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं दो तरीके की बात होती है। क्या होती है? सबसे पहला होता है कि जो भी एम्प्लॉयर फ्री सर्विस दे रहा है, एक तो वो खुद का इंस्टीट्यूट है और खुद के इंस्टीट्यूट में अगर सर्विस दे रहा है या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, तो दोनों सिचुएशन का अलग अलग मतलब निकलेगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, दैट मीन्स कि अगर वो फैसिलिटी फ्री एजुकेशन सर्विस की जो फैसिलिटी है वो अगर किसी एम्प्लॉय खुद को अगर प्रोवाइड की जाती है तो पूरी तरह से एग्जेंटेड है, यानी कि सर उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उनके परक्यूसाइट्स यानी कि सैलरी हेड के अंदर वो कवर नहीं होगा। कब? जब एक एम्प्लॉय खुद को दी जाती है वो सर्विस। ओके, सेकंड हम बात कर रहे हैं फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू फैमिली मेंबर, यानी कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के किसी भी फैमिली मेंबर्स को वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एज एन इंस्टीट्यूट ओन बाय द एम्प्लॉयर, दैट मीन्स कि जो इंस्टीट्यूट है वो खुद एम्प्लॉयर का, वो जहां पर भी जॉब करते हैं उनके बॉस का इंस्टीट्यूट है, वहां पर एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू पर मंथ अगर 1000 रुपीज तक अगर एक्सपेंसेस होता है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद देखते हैं कि कैसे सेम टू सेम, जैसे अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सेम टू सेम कोई दूसरी कॉलेज है जहाँ पर ईयरली कुछ अदर एक्सपेंसेस होता है और आपके कॉलेज में क्या एक्सपेंसेस है, दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें से 1000 रुपीज माइनस करेंगे पर मंथ और जो भी बचेगा उसके ऊपर आपको परक्यूसाइट्स के रूप में टैक्सेबल वैल्यू आएगी। कैसे आएगी चलो समझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अदर इंस्टीट्यूट है, एक तो एम्प्लॉयर का इंस्टीट्यूट है, दो अदर इंस्टीट्यूट है, अदर इंस्टीट्यूट में फॉर एग्जाम्पल फीस है 12,000 रुपीज पर मंथली, या फिर पर मंथली 12,000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 12 ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1500 रुपीज पर मंथ उनका एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पर आपको 1000 रुपीज वो एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो 500 रुपीज एज ए परक्यूसाइट टैक्सेबल माना जाएगा आपको। ओके, अयो जो भी आपकी इनकम्स होगी बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंसेस या इसके साथ में आपकी ये जो 500 पर मंथ दैट मीन्स 6000 रुपीज आपकी ग्रॉस सैलरी के अंदर ऐड होंगे जिस पर आपको टैक्स पे करना होगा। अगर हम बात करते हैं कि अदर फैमिली मेंबर्स यानी कि स्पाउस या किसी भी अदर मेंबर्स को अगर वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट शैल बी टैक्सेबल, यहाँ पर आपको 1000 रुपीज की एग्जेम्पशन मिलती है चिल्ड्रन के केस में, लेकिन आपके किसी अदर फैमिली मेंबर्स में वो एजुकेशन एग्जेम्पशन नहीं मिलती। दैट मीन्स कि अगर एम्प्लॉयर के जो इंस्टीट्यूट है सिमिलर कोई अदर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, कोई अदर पर्सन अगर वहाँ पर पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकी फीस है, वो सेम टू सेम फीस टैक्सेबल हो जाएगी आपके एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर। लर्न बात करते हैं कि रिम्बर्समेंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर टू एम्प्लॉय, मतलब कि अगर रिम्बर्समेंट करते हैं एजुकेशन एक्सपेंडिचर वो भी क्या होता है सर, टैक्सेबल होता है। एक्चुअल रिम्बर्समेंट शैल बी टैक्सेबल, सच रिम्बर्समेंट इज ट्यूशन फीस शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसके केसेज में होगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। अब यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दे रखे हैं, नोट्स क्या है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड हैज बीन एग्जेम्प्टेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ सेंटर्स, मतलब उनके थ्री चिल्ड्रन से तीनों चिल्ड्रन अगर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या फिर इसी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पर इम्प्लॉयर्स का है तो वहाँ पर आपको 1000 रुपीज की एग्जेम्पशन मिलती है। चाइल्ड इंक्लूड्स एडोप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, स्टाइप चाइल्ड ऐसे से हो सकता है, बट डज नॉट इंक्लूड ग्राइंड चाइल्ड और इनलिटिमेट चाइल्ड। ओके, ये चाइल्ड आपके नहीं हो सकते। एनी अमाउंट चार्जेड फॉर इम्प्लॉयर फॉर सच फैसिलिटी शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द अबोव वैल्यू, दैट मीन्स कि अगर किसी एम्प्लॉय से अगर कोई भी चार्ज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा कि 1500 पर मंथ के हिसाब से
अदर इंस्टीट्यूट की वैल्यू आती है 1000 रुपीज़, आप माइनस कर लीजिए 500 रुपीज़, उसमें से अगर आपको 100 रुपीज़ इंप्लॉय से अगर लिए जाते हैं तो 400 रुपीज़ विल बी टैक्सेबल इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन पर मंथ। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड अंडर द एजुकेशन ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द चिल्ड्रन फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल। अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर क्रिएटेड फॉर चिल्ड्रन फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, मतलब किसी इम्प्लॉय के लिए अलग से एक कोई एजुकेशन ट्रस्ट है वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है इम्प्लॉयर्स के द्वारा, तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा किसी इम्प्लॉय को फ्री एजुकेशन सर्विस या खुद को, अपने बच्चों को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को अगर दी जाती है तो वो किस तरह से टैक्सेबल होती है और उसको सैलरी हेड के अंदर हमें कवर करना होता है। तो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको किस तरह से समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है हमारी ये सीरीज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ उस चैनल को। थैंक यू सो मच।